हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्टन सुप। सो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, ये जो वीडियो होगा ये होगा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आप भी अपना क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आया तो मैं उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, आज के वीडियो का जो टॉपिक ये है कि जो जीनेक्स अचीवमेंट उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, उसका कंप्लीट डिटेल जानना है। और बहुत कोई का जो अचीवमेंट वो फंसा हुआ है, तो उसका कंप्लीट डिटेल हम लोग ये वीडियो में जानने वाले। तो गाइस, ये वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम लोग चैनल का पहला स्पॉन्सर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्फ शार्क वीपीएन। तो ये वीपीएन दूसरा वीपीएन काफी अलग है। इसमें आपको तीन तरह का मोड देखने को मिलेगा। सबसे पहले है फास्ट सर्वर मोड, सेकंड है नियरेस्ट कंट्री, और थर्ड है फास्ट पी टू पी लोकेशन, तो मतलब पेयर टू पेयर लोकेशन। ये वीपीएन केवल वीपीएन का काम नहीं करता, इसमें आपको बहुत सारा सिक्योरिटी मिल जाता है, एंटी मालवेयर मिल जाता है। जितना भी ब्लॉक साइट होता है इंडिया में उसको आप ओपन कर सकते हैं, और जितना भी सर्वर आप कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसका जो कनेक्शन होगा या पिंग रहेगा बहुत ही लो रहेगा। सो गाइस, इधर आपको ढेर सारा सर्वर देखने को मिलेगा अक्रॉस द वर्ल्ड, आप कोई भी जगह में कनेक्ट कर सकते हैं, उसका कनेक्शन भी हाई रहेगा। इवन इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे जो कि है स्पार्टन से, उसको यूज करेंगे तो आपको 83% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो गाइस, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग लॉबी में आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग अचीवमेंट देखते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे समझने का पूरा अचीवमेंट को। तो अचीवमेंट देखने के लिए आपको वॉच वीडियो में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं अचीवमेंट नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। और सबसे नीचे वाला कैटेगरी आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। सेकंड में आप देख सकते हैं फेल टू गेट, तो ये वाला जीनेक्स वाला अचीवमेंट आप देख पा रहे, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें टोटल आपको 4 अचीवमेंट देखने को मिलेगा। पहला ऊपर का 2 अचीवमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है, और नीचे का 2 अचीवमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है, तो वो कंप्लीटली मैं हम लोग समझने वाले। तो बहुत का क्वेश्चन ये भी था कि ऊपर वाला जो आप देख सकते हैं बार वो तो बढ़ रहा, अगर नीचे वाला बार क्यों नहीं बढ़ रहा, तो वो सब भी हम लोग ये वीडियो में क्लियर करने वाले। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो अचीवमेंट है कब काम करेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं पबजी में बहुत सारा क्रिएट आपको देखने को मिलता है, न्यू क्रिएट भी आपको देखने को मिलता है, बट ये वाला जो अचीवमेंट आप देख पा रही है केवल 120 यूसी जो क्रिएट आप देखने को मिलता है उसी में काम करेगा। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि 120 यूसी वैल्यू वाला कौन कौन सा क्रिएट है। मुझे पता है कि आपको पता है, फिर भी एक बार क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट में खोलेंगे। तो क्रिएट में आप देख सकते ढेर सारा क्रिएट आपको देखने को मेरा पायरेट क्रेट, प्रीमियम क्रेट, क्लासिक क्रेट, सप्लाई क्रेट और सोल्जर क्रेट। तो इधर आपको ढेर सारा क्रेट हमेशा देखने को मिलता है, तो बट आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि केवल आपका प्रीमियम क्रेट है और क्लासिक क्रेट है उसी का वैल्यू केवल 120 यूसी है। बाकी जो क्रेट आप देख पा रहे उसका जो कॉस्ट 60 होगा, कभी कभी उससे ज्यादा होगा। सो अगर इसी चलते अगर हम 60 यूसी वाला क्रेट खोलेंगे और 30 यूसी वाला क्रेट खोलेंगे तो वो चीज काउंट नहीं होगा, वो अचीवमेंट में वो चीज काउंट नहीं होगा। केवल आप प्रीमियम क्रेट खोलेंगे, चाहे वो यूसी देकर खोलना हो या कूपन यूज करके खोलना है, बट 120 यूसी वैल्यू जिसका है क्रेट का वही ओपन करेंगे, तब जाके वो वाला जो अचीवमेंट वो काम करेगा। तो चलिए हम लोग फिर से अचीवमेंट सेक्शन में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो वाला अचीवमेंट कब काम करेगा। तो उससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं फिर से कि सबसे पहले तो मेन चीज़ आप देख लीजिए कि जो रेड चीज़ आप देख पा रहे हैं ये मिथिक में है, और जो जो पिंक चीज़ देख पा रहे हैं मतलब ये वाला कलर आप देख पा रहे हैं जो, तो ये होता है लेजेंडरी आइटम। तो एक चीज़ बहुत कोई का प्रॉब्लम ये होता है कि लेजेंडरी आइटम में उन लोग सोचते हैं कि केवल ड्रेस मिलेगा तो मतलब लेजेंडरी आइटम, अगर ये मार्क्स मिला तो ये लेजेंडरी आइटम में नहीं आता। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो घटिया चीज़ हो कि अच्छा चीज़ हो। पबजी वाला ये करके रखा है, कुछ कुछ घटिया चीज़ को भी लेजेंडरी आइटम में इसलिए डाल कर रखा है कि ये जो जीनिक्स वाला अचीवमेंट इसको कंप्लीट करने ना दे, क्योंकि जीनिक्स एक्चुअली जो अचीवमेंट है वो बैड लक अचीवमेंट है। वो चीज़ कंप्लीट करने के लिए आप बोल सकते हैं एक तरह का आपका बैड लक होना चाहिए, तब जाके ये होगा। इसी चलते कुछ कुछ फालतू चीज़ भी आपको लेजेंडरी में देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो दे देगा तो आपका जो स्ट्रिक है मतलब जो रो है वो टूट जाएगा, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। और इवन जो रेड चीज़ है ये है मिथिक, तो ये दोनों में से अगर एक भी मिल गया तो वो वाला जो अचीवमेंट है वो बंद हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो फिर से मैं अचीवमेंट में आपको ले जाता हूँ और फिर से मैं आपको एक एक चीज़ फिर से समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं ये अचीवमेंट। तो पहला जो अचीवमेंट है वो केवल बता रहा है कि अगर आप 120 यूसी वाला जो क्रेट खो रहे हैं, चाहे वो कूपन से खोलना हो या यूसी से खोलना, आपको लगातार 30 टाइम कोई भी लेजेंडरी आइटम नहीं मिला या मिथिक आइटम में नहीं मिला, क्योंकि लेजेंडरी और एवव लिखा हुआ इधर आप नोटिस किए होंगे, लेजेंडरी का एवव मिथिक है। तो अगर आपको लेजेंडरी और मिथिक आइटम नहीं मिला, 30 क्रेट आपने खोल दिया एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आपको नहीं मिला, तो तब जाके आपका जो ये वाला जो पहला वाला अचीवमेंट है तब जाके ये कंप्लीट होगा। अब प्रॉब्लम बहुत करके ये हो रहा है कि उन लोग सोच रहे कि 27 खुल गया उसके बाद बढ़ क्यों नहीं रहा अगर मुझे नहीं मिल रहा। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें लिखा रो, अगर आप क्रेट खोल रहे लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक भी क्रेट में आपको लेजेंडरी आइटम नहीं मिला, तब जाके ये बढ़ेगा। अगर आपको 27 क्रेट खोलने के बाद 28 क्रेट में आपका एक लेजेंडरी आइटम मिल गया तो ये पूरा रिसेट हो जाएगा, फिर से ये 1 से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको फालतू चीज़ मिला तो वो 28 नहीं होगा, फिर से वो 1 से स्टार्ट होगा। फिर से अगर लगातार आप 27 क्रेट खोलेंगे, अगर 27 क्रेट में आपको लेजेंडरी आइटम नहीं मिला या
मिथिक आइटम नहीं मिला, तब जाके आपको नेक्स्ट जो क्रेट खोलेंगे वो 28 होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि जैसे ही आपको एक लेजेंडरी मिलता है या आपको एक मिथिक मिलता है, तो ये जो आप देख सकते हैं पॉइंट है, ये रिसेट होकर 1 हो जाता है, और वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता, वो ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ये रो है। अगर आप 30 क्रेट खोल रहे हैं उसमें आपको एक भी लेजेंडरी आइटम या मिथिक आइटम नहीं मिला, तब जाके आपको पहला वाला जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट होगा। और सेकेंड वाला अचीवमेंट कब कंप्लीट होगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप 70 टाइम्स क्रिएट खोलेंगे, उसके बाद अगर 70 के अंदर एक भी लेजेंडरी नहीं मिलेगा, एक भी मिथिक नहीं मिलेगा, तब जाके ये वाला फ्रेम मिलेगा। उतना इजी नहीं है ये गाइस ये अचीवमेंट, क्योंकि बहुत जगह क्वेश्चन ये है कि क्यों ये बढ़ नहीं रहा, ये उतना जल्दी बढ़ेगा भी नहीं। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं फिर से आपको क्रिएट सेक्शन में ले जाऊँ तो प्रीमियम क्रिएट में आप देख सकते हैं एक नया चीज़ आया है जो कि 10x10 ट्रिगर वाला। अगर आप 10 क्रिएट लगातार खोलते, अभी मेरा जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, तो वो वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा ये ट्रिगर कैसा काम करता है। अगर 10 क्रेट आप खोलते हैं, 10 क्रेट खोलने के बाद एक लेजेंडरी मिलना फिक्स है। अगर एक लेजेंडरी मिल गया तो आपका जो स्ट्रीक है 30 क्रेट खोलने का जो स्ट्रीक है वो टूट जाएगा, इसी चलते वो जो अचीवमेंट है वो उतना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक तो आपको इधर ही लेजेंडरी मिल जाएगा, भले ही ये फालतू सा मार्क्स क्यों ना हो, अगर ये चीज़ आ गई आपको मिल गया तो आपका जो स्ट्रीक है रो है मतलब 30 क्रेट खोलने का जो रो है वो टूट जाएगा, फिर से वो 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये 10x10 होने के बाद अगर आप 1 से फिर स्टार्ट करेंगे 30 तक, अगर एक भी लेजेंडरी नहीं मिला तब जाके आपको वो वाला अचीवमेंट कंप्लीट होगा। फिर से मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ, वॉच वीडियो में मैं क्लिक करता हूँ, अचीवमेंट में क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं अचीवमेंट में ये वाला आप देख सकते हैं, तो जिनिक्स में फिर से मैं क्लिक करता हूँ, तो पहला दो आप देख सकते हैं अचीवमेंट ये है लेजेंडरी आइटम का, और नीचे का दो आप देख सकते हैं ये आइटम ये है मिथिक आइटम का। नीचे का दो अचीवमेंट देख रहे हैं ये मिथिक आइटम के लिए, इसी के लिए आप देख सकते हैं जो ये बार आप देख सकते हैं इसमें 27 है, इसमें 77 है, क्योंकि मिथिक आइटम मिलना उतना जल्दी नहीं होता, इसी चलते कभी कभी किसी किसी का तो मिथिक वाला जल्दी कंप्लीट हो जाता है एज कम्पेयर टू लेजेंडरी, क्योंकि लेजेंडरी कभी कभी मिल जाता है, बट मिथिक मिलना थोड़ा सा आप बोल सकते हैं लक का भी फैक्टर हो सकता है। इसी चलते आप देख सकते इसमें 77 हो चुका है, इसमें 27 हो चुका है, क्योंकि लेजेंडरी जल्दी मिल जाता है एज कम्पेयर टू मिथिक। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका है यह कंप्लीट वीडियो। फिर से मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, अगर आप 27 क्रेट खोले, अगर आपको एक भी लेजेंडरी आइटम नहीं मिला या मिथिक आइटम नहीं मिला, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। बगर आपका 28 नंबर जो क्रेट आप खोले, तो अगर आप उसके अंदर मिथिक आइटम या लेजेंडरी आइटम मिल गया, तो ये नेक्स्ट टाइम आप जब क्रेट खोलेंगे अगर आपको कुछ लेजेंडरी मिथिक आइटम नहीं मिलता, ये 28 से स्टार्ट नहीं होने वाला, ये फिर से 1 से स्टार्ट होने वाला है, तो ये पूरा रिसेट हो जाएगा, फिर से आपको उतना क्रेट खोलना होगा। और अगर आपका 28 के बाद फिर से एक क्रेट खोलेंगे वो लेजेंडरी नहीं निकला, तो तब जाके ये 29 होगा, मतलब आप बोल सकते हैं एक लेजेंडरी मिलेगा तो ये पूरा रिसेट हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। तो यही अचीवमेंट का काम है, ये अचीवमेंट इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक मिथिक का एक लेजेंडरी मिलने से ये पूरा रिसेट हो जाता है, फिर से ये 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए आपका ये वाला अचीवमेंट ये रुका हुआ, क्योंकि आपको बीच में एक लेजेंडरी या मिथिक आइटम मिल चुका है, इसी चलते ये जो अचीवमेंट ये फंसा हुआ है, और ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपको लगातार लेजेंडरी आइटम या लगातार मिथिक आइटम नहीं मिलता। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा डेफिनेटली थम्स अप दे सकते हैं, चैनल पर नए आकर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, उससे होगा मैं जब भी न्यू डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।